वाराणसी जा रही इंडिया इंडिगो फ्लाइट में बम होने की खबर। मौके पर पहुंची बम निरोधक टीम। प्रोजेक्ट रन्ना के वीडियो जारी करने पर एसआईटी अलर्ट। ठिकाने के बारे में जुटाई जा रही जानकारी। दिल्ली के सरोजनी नगर में दो डीटीसी बसों के बीच हुई टक्कर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सुबह 6:43 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। कोलकाता में आज शाम को रोड शो करेंगे पीएम मोदी। मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, 50 बार और पब में की छापेमारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा में पार्टी उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा आज बीजेपी उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आज वाराणसी में करेंगे प्रचार। इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। घाटकोपर होर्डिंग मामला में एसआईटी ने मुंबई जीआरपी रेलवे के एसीपी को भेजा समन। मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया। सपा छोड़ने के बाद आज बीजेपी में शामिल होंगे नारद राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दुमका में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीता सोरेन के लिए मांगेंगे वोट। आज की सबसे खास खबर, दिल्ली से वाराणसी जा रहे इंडिगो की फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। विमान की खिड़की से लोग कूदने लगे। टॉयलेट में लिखा था बम। बता दें कि दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि एविएशन सिक्योरिटी और डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची और फ्लाइट का बारीकी से निरीक्षण किया। बम की धमकी मिलने के बाद इंडिगो क्रू ने अलर्ट जारी कर यात्रियों से विमान के नीचे उतरने का अनुरोध किया। कुछ यात्री इमरजेंसी गेट तो कुछ फ्लाइट के विंडो से नीचे कूदने लगे। अभी जांच चल रही है।